सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से छोटू हत्याकांड को लेकर कुछ ऐसे भी साथी हैं जो व्यूज़ पाने के लिए उल्टे सीधे खबर चलाते हैं। पहले ही बार आपको हमने एक्सपोज कर दिया था कि जो ऑडियो लगातार पिछले कई एक दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि ये सुनिए, ये आवाज़ छोटू और आरती की है। तो आरती ने उस आवाज़ पर सफाई दिया है कि वो आवाज़ मेरी नहीं है, वहाँ पर आपने देखा वो गलत बोल रहा है। आज तीन दिनों से एक खबर सोशल मीडिया पर लगातार चल रहा है, लोग दनादन शेयर कर रहे हैं और लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ये खबर ये है कि छोटू के जो बड़े भाई हैं, मनु जी हैं, वो आरती से शादी करना चाहते हैं, जबकि इनका कहना है कि बिल्कुल सरासर गलत है। हमने ये बोला था कि छोटू आरती से शादी करना चाहते थे, इस बात को उन्होंने क्या किया है, शादी करने वाली बात तो ठीक है लेकिन नाम छोटू का हटा दिया और इनका नाम जोड़ दिया। अब इन्हीं की जवानी सुनिए कि आखिर इनका क्या कहना है इस पर। मुझे बताएं कि जिस प्रकार से सोशल साइट पर यह वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है कि आरती से आप शादी करना चाहते हैं, क्या बातों सच्चाई है? ये सब सच्चाई नहीं है, ये सब फेक डाला है। जो उस दिन आया था मीडिया वाला, वो वीडियो को काट के और वो जोड़ दिया आगे में कि शादी करेंगे उस लड़की से। मेरा भाई बोला था उस जगह, मेरा भाई को काट के और मेरा वो सेटिंग कर दिया है। मतलब आपसे पूछा गया होगा कि आप छोटू शादी करना चाहता था कि नहीं जाना चाहता, तो आपने ये बोला था कि हाँ छोटू बोल रहा था कि शादी करना चाहते हैं उस लड़की से। उस लड़की से, हाँ, जैसे कि उस दिन जो बोला था करेंगे उस लड़की से, हम ऐसे बोला था पहले आप शादी कर लीजिए फिर हम शादी करेंगे उसी लड़की से। तो वो बात आधा काट के मेरा जोड़ दिया है। वीडियो अच्छी तरह पहले देख लीजिए फिर बताइएगा कि उसमें क्या है। आप सभी से निवेदन है कि आप इस तरह की वीडियो को बिना तथ्य के शेयर मत करिए, क्योंकि अब इनके परिवारों वालों का कहना है कि हम लगातार पुलिस प्रशासन से और आईटी जो सेल की टीम है उनसे हम संपर्क में हैं। ये चाहते हैं कि ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई हो। आप सोचिए कि कितना आरती के दिलों पर बीतता होगा यह बात सुन करके कि आज छोटू को 14 दिन गुजरे हैं दुनिया से रुखसत हुए और फिर आज 2 दिन पहले से ही सोशल मीडिया पर यह बातें सामने आ रही है कि आरती और ये दोनों शादी करने वाले हैं। जबकि इनका कहना है कि इनके जो भाई जो छोटू थे उन्होंने बोला था कि हम शादी करेंगे आरती से, लेकिन पहले आप कर लीजिए फिर हम शादी करेंगे, है ना, यही बात है ना। लेकिन हाँ, लेकिन छोटू का नाम इन्होंने हटा दिया और फिर इनका नाम जोड़ दिया कि मनु कहते हैं कि हम शादी करेंगे उससे। अभी आपने सुन लिया, इससे पहले भी आपको हमने बताया था कि जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर छोटू और आरती का कथित ऑडियो लगातार वायरल किया जा रहा था, उस बात को लेकर के हमने आरती से जब पूछा तो उन्होंने सीधे तौर पर खारिज कर दिया बात को कि ये गलत है, ये ऑडियो बिल्कुल फेक है, डॉक्टरेट वीडियो है, उसी प्रकार से इनका भी डॉक्टरेट वीडियो बनाया गया है, जबकि इन बातों को सच्चाई नहीं है। नहीं, सच्चाई नहीं है। शादी को हम लोग का जैसे जो भी परंपरा है, हम लोग कोई मृत्यु हो जाता है तो 1-1.5 साल के बाद कोई शादी का निर्णय लेता है, अभी कोई शादी उदी का निर्णय नहीं लेते हैं। आप इस बारे में मतलब अभी शादी को लेकर कुछ नहीं कहना आपका? कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं कहना। देखिए, सिर्फ आरती पीड़ित नहीं है, छोटू की हत्या नहीं हुई है, जबकि कुछ लोग ऐसे हैं अपने व्यूज़ पाने के लिए, TRP के लिए हर रोज़ इन परिवार के भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, इनकी हत्या कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। आप गलत व्यूज़ पाने के लिए इस तरह से आप TRP मत बटोरें। पिताजी हैं, इनका भी यही कहना है कि जिस तरह से ऑडियो वायरल हुआ है कि सुनिए ये आरती और छोटू का ऑडियो है, और आज 2 दिन पहले लगातार एक खबर चलाई जा रही है कि देखिए हमको दैनिक भास्कर वाला भी वो हमको सुनाए, तो उनको भी मैं बोले कि ये गलत है, नहीं आरती का आवाज़ है और नहीं छोटू का आवाज़ है, ये सब वायरल गलत वायरल हो रहा है, उनको भी हम बताए। तो अभी आप मनसा देख सकते हैं कि किस तरह से एक पीड़ित परिवार लगातार पिछले 14 दिन से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, मदद मांगने के लिए जो अररिया SP उनके पास पहुंच रहे हैं, थाना भरगमा पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऑडियो और वीडियो को डॉक्टरेट करके उसमें फेर बदल करके गलत तरीके से उसे वायरल करवा रहे हैं। कैसे लोग हैं ये जो किसी की भावनाओं के साथ किस प्रकार से खेल रहे हैं, आप सोचिए और आप भी महसूस कीजिए अगर ऐसा कुछ होता है तो आपके दिल पर
और ख़ास करके आरती के दिल पर क्या बीत रही होगी। हम आपसे आग्रह करेंगे इस वीडियो पर कि इसे शेयर कीजिए मैक्सिमम, ताकि बाकी लोगों तक आपको ये जानकारी पहुंच सके कि जो वायरल किया जा रहा है वीडियो और ऑडियो वो बिल्कुल गलत है, वो डॉक्ट्रेट है, उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। चूँकि इनके पिताजी का कहना है कि कानूनी कार्रवाई हम करा के ही दम लेंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे भी संस्थान हैं जो जुड़े हुए हैं इस पूरे मसले को लेकर के। तो फिर इस मुद्दे पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर आप ज़रूर बताएं। फ़िलहाल के लिए मुझे इमरान को, सहयोगी एहसान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।